नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। आज हम हैं तहसील में, यहां एसडीएम को भारतीय किसान संघ के जो लोग हैं वो ज्ञापन सुपुर्द करने वाले हैं। और ज्ञापन किस संबंध में है बात की जाए, अगर ज्ञापन की तो ज्ञापन है जो किसानों को लेकर समस्याएं होती हैं, चाहे वो बात की जाए सिंचाई से रिलेटेड, नहर से जुड़ी हुई उनकी जो समस्याएं हैं, खाद से जुड़ी हुई जो उनकी समस्याएं हैं, बीज से जो उनकी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, और भी जो उनकी छोटी छोटी जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो उपार्जन केंद्र में हो से रिलेटेड हो, चाहे वो उपज केंद्र से रिलेटेड हो, बहुत सारी जो उनकी जो कठिनाइयां हैं रोज़मर्रा की, उनसे जुड़ी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं उनको लेकर के ये ज्ञापन सुपुर्द किया गया है एसडीएम को। आइए जानते हैं भारतीय किसान संघ के लोगों से कि क्या उनकी समस्याएँ हैं, किस मामले पर उन्होंने ये पूरा ज्ञापन सौंपा है, क्या क्या उसमें उनकी मांगे हैं। आइए, आज भारतीय किसान संघ ज्ञापन सौंपने वाले हैं अपने कुछ मुद्दों को लेकर के। आइए जानते हैं क्या हैं उनके मुद्दे, क्या हैं उनकी समस्याएं, बताइए सर। आज भारतीय किसान संघ का पूरे प्रदेश में हर तहसील में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। किसानों के पास अनेक समस्याएँ हैं, जैसे कि हमारे लिए पूरे राज्य प्रदेश में और देश में किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए। अभी तक जो मूल्य दिया जा रहा था वो लाभ लागत का डेढ़ गुना दिया जा रहा था, लेकिन डेढ़ गुना में जैसे किसान को जो अकुशल श्रमिक के रूप में दर्शाया गया है, उनके जो भी यंत्र हैं उनके टूट फूट की कोई उसमें ऐड नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है, इस तरह से किसान को जितना फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हमने राष्ट्रपति जी के माध्यम से यह ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है कि हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, ना कि डेढ़ गुना चाहिए। और प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने अभी धान खरीदी हो रही है, धान खरीदी में चूंकि मौसम में ऐसी स्थितियां आई हैं कि कई बार खरीदी बंद कर दी गई हैं, वारदाना की कमी हुई है, जिसके कारण धान खरीदी नहीं हो पा रही है, कई किसान वंचित हैं अपने धान बिक्रे से। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें और समय दिया जाए, पूरा जनवरी का समय दिया जाए, जिससे हर किसान अपना धान बिक्रय कर सके। इसी तरह विद्युत की समस्याएँ हैं, रात को लाइट दी जाती हैं जिससे किसान रात को पानी लगाने में बहुत असुविधा हो रही है, उसे काफ़ी ठंड भी हो रही है, तो ये भी हमें प्रशासन से मांग करते हैं कि लाइट जो समय सीमा है वह दिन में रखा जाए। इस तरह से हमारी कई समस्याएं हैं जिसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर बात की जाए ज्ञापन की तो सर मैं जानना चाहूंगी कितने मुद्दे पर, अगर संख्याओं में बात की जाए तो कितने समस्याओं पर आपने यह ज्ञापन सौंपा है? क्योंकि हमारा मुख्य ज्ञापन जो है देश के स्तर पर है वो लाभकारी मूल्य के लिए है, जिसे हमने राष्ट्रपति जी को एसडीएम जी के माध्यम से दिया है ज्ञापन। दूसरा जो प्रदेश स्तर पर कई समस्याएं हैं, जैसा कि हमने ज्ञापन में दिया है, ये कई समस्याएं जो दिखाए गए हैं, जैसे फसलों में समर्थन मूल्य की खरीदी केंद्र वाले, पल्लेदारी की मेहनताना वगैरह जो है, ये सब पैसे समितियों को दिया जाता है, जबकि किसान के ही मजदूर उनमें सारा कार्य करते हैं, तो यह पैसा सीधे किसानों के खातों में दिया जाए। दूसरी चीज़, जितने भी शासकीय विभागों में मैदानों में अधिकारी नियुक्त हैं उनको 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकने के लिए उन सभी अधिकारी या कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए, हमारी ये भी मांग इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा गांव में विचरण करने वाले मवेशी जो हैं, जिसको आरा प्रथा के रूप से लोग जानते हैं, इसके लिए भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था की गई है वो बहुत सुदृढ़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप आवारा पशु की जो बात कर रहे हैं, गाय मवेशी जो होते हैं उनके लिए तो कांजी हाउस बनाते हैं, तो वो सब नहीं है? कई ग्रामों में कांजी हाउस की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिससे वहाँ पर किसान बहुत परेशान है। हमारी मांग थी कि इसको पुलिस विभाग द्वारा इसकी मुनादी कराई जाए, जिससे लोगों में भय का वातावरण रहे। और हमारे लिए इस कार्य में किसानों की तो बहुत सारी समस्या हैं। किसान उपज मंडी जो शहडोल जिले में सोहागपुर संभाग में ही है, सोहागपुर में ही है, तो संभाग में यह मंडी बड़े छोटे स्तर पे है, छोटे जगह पे है। इसको अच्छे जगह पर, बड़े स्तर वाले जगह पर, जहाँ पे किसानों को समस्या ना हो, ऐसी जगह पर इसको स्थानांतरित किया जाए। ये भी समस्या ये हमारी उपार्जन केंद्र की बात कर रहे हैं, तो सर अगर उपार्जन केंद्र की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए, उपार्जन केंद्र के अलावा मंडी की बात कर रहे हैं, कृषि उपज मंडी की बात कर रहे हैं हम, उपज मंडी में तो समस्या वहाँ पे जगह की है, जो जगह है वो पर्याप्त नहीं मिल रहा है आप लोगों को। हाँ, वहाँ पर जगह की कमी है, वहाँ पे मेन चीज मुख्य
शहर में होने के कारण मंडी में लोगों के आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। अगर वो ट्रैक्टर लेके आते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्टर ले जाने में बहुत बड़ी असुविधा हो जाती है, तो इस कारण से वहाँ पे किसानों को असुविधा है। वह ऐसे जगह में स्थापित की जाए जहाँ पर किसान बड़े आसानी से आ जा सकें। हमारी एक मांग और है, बहुत समय से ये मांग कृषि महाविद्यालय के रूप में हम लोगों ने मांग रखा है कि शहडोल ज़िले में, शहडोल संभाग में कृषि महाविद्यालय खोला जाए, क्योंकि यहाँ से अभी जबलपुर में कृषि महाविद्यालय संचालित है जो कि 250 किलोमीटर के करीब की दूरी पड़ती है। तो आप मुझे ये बताइए, कृषि महाविद्यालय की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या विश्वविद्यालय जो है शंभुनाथ विश्वविद्यालय, तो उसमें कृषि विभाग नहीं है? उसमें कृषि विश्वविद्यालय अलग होता है, जैसे JNK भी जबलपुर में है, तो कृषि विश्वविद्यालय विद्यालय ही अलग होता है जिसमें कृषि की पढ़ाई होती है। तो हमें इस चीज़ का भी मांग हमने गवर्नमेंट, अच्छा तो आप ये चाहते हैं कि कृषि महाविद्यालय अलग से स्थापित हो जी। और हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे यहाँ पर शहीद CDS जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी की स्मृति में यहाँ सैनिक स्कूल खोला जाए, क्योंकि वह हमारे मान सम्मान के लिए बहुत आवश्यक है, वह हमारे ज़िले के लिए, संभाग के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मांग है। अच्छा, तो इनकी जो मांग है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन मुख्यतः इनका लाभकारी मूल्य है। सर, अगर मैं ये जानूँ और जानना चाहती हूँ कि लाभकारी मूल्य कितना हो? लाभकारी मूल्य के बारे विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाभकारी के मूल्य में अभी तक शासन हमें लागत का 1.5 गुना दे रही थी। अगर मान लीजिए 1000 हमारी लागत लगी हुई है किसी चीज़ में, तो वो 1500 दे रही है, जिसमें से जो किसान लगा हुआ है, किसान को अकुशल माना गया है, अकुशल मानकर उसको जोड़ा गया है। कृषि यंत्र जो भी हैं, वो कृषि यंत्र की टूट फूट की कोई भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, ना जोड़ा गया है। इस तरह से कई समस्या, और बीच बीच में काफ़ी चीज़ें दरों में वृद्धि हो जाती है, जैसे डीजल पेट्रोल में, जो भी किसान की लागत को बढ़ाता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए लागत मूल्य को तय करने के लिए इन सारी चीज़ों को जोड़ना होगा, तभी लागत मूल्य सही बनेगी और उससे लाभकारी मूल्य बन पाएगा। सर, आप बताइए, जैसे खाद है, बीज है, ये सब जो इतना महंगा हो रहा है, उसके उसमें भी आप लोगों ने कुछ मांग की है? जरूर मांग की है, लेकिन अभी तक माने उचित इसका निर्णय नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। उचित निर्णय नहीं ले पाई। आप लोग को जो खाद प्रोवाइड की जाती है सोसाइटी के द्वारा, खाद जो मिलती है, तो वो उचित मात्रा में होती है या नहीं होती है? बहुत उचित मात्रा में नहीं होती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है खाद प्राप्त करने के लिए। खाद प्राप्त करने के लिए अगर बात की जाए कि जैसे अभी तो धान खरीदी का जो टाइम चल रहा है उपार्जन केंद्र में, तो वहाँ पे आप लोग को क्या क्या समस्या देखने को मिली है किसानों को? वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ उन लोगों को, मतलब जो किसान जाते हैं, उनको कहीं बारदाने की कमी का सामना करना पड़ता है, और पल्लेदार स्वयं रखना पड़ता है, जबकि शासन द्वारा ये माने कहा गया है कि किसान केवल वहाँ पर धान लेके जाए, बाकी सब कार्य वो लोग करेंगे। वहाँ के पल्लेदारों द्वारा तुलाई होगी, बोरों में मार्का लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसानों को खुद करना पड़ता है, अपने मजदूरों से करवाना पड़ता है, और भी वहाँ का शुल्क कुछ देना पड़ता है, तभी वो धान अंदर की जाती है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के उनको मतलब वो किया जाता है कि आपकी धान में क्वालिटी अच्छी नहीं है, बतरा है, ये गुणवत्ता सही नहीं है, ऐसा करके उनको परेशान किया जाता है किसानों को। अच्छा, तो ये बताइए, ये सारे जो अवैध चीजें हैं, ठीक है, पैसा लेना, पैसा वसूली करना, किसानों से पैसा मांगना, तो कभी आप लोग इसका विरोध करते हैं? हाँ, जरूर करते हैं विरोध, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, उसके लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं शासन द्वारा। ज्ञापन के माध्यम से ये भी हमने रखा है, और ये भी है कि जैसे आप उपार्जन केंद्र की जब बात करते, जो किसान है वो अपनी जो धान है या फिर जो भी उसका अन्न हो रहा है, तो जो भी वो लेकर के जाता है, तो उसकी वहाँ रखने की क्या व्यवस्था है? अगर बात की जाए व्यवस्था, किसान स्वयं जो है उसकी रखवाली करता है, यदि रखवाली ना कर दे तो वो विभाग जो है चोरी करवा लेगा। अच्छा, चोरी तक की जो आप देख रहे हैं, चोरी तक की जो नौबत है वहाँ पे है, सिंहपुर में देखिए, फतेहपुर में देखिए, यही यहाँ दुर्गत है। और अधिकांश जो है जितने सोसाइटी हैं, समितियां हैं, हर समितियों में 99% यही है, किसानों को परेशान करना, किसानों से पूरे पल्लेदारी कराना, पूरे मजदूरी कराना। किसी बोरे वाले को यदि गिनती दो तो बोरे वाले को यदि कमीशन दोगे तो गिनती न लेगा, सिलने वाले को न दोगे तो सिलाई न करेगा, चाहे आप 4 दिन बैठे रहो। तो क्वालिटी चाहे कितना भी अच्छा लेके जाओ, कितना भी अच्छा लेके जाओ, मगर उनको जो है 30 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से जो है कमीशन न दो तो बोरी फेल कर देंगी।
और जैसे जो बोरियां हैं तो वो तो सरकार के ही द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो क्या मतलब जितनी सारी पैसा जो है जो शासन हर सोसाइटी में 25 मजदूर देते हैं तो 25 मजदूर का 400 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ का जो संस्था प्रधान है वो टकार जाता है और किसानों को जो है पूरा मजदूरी कराएगा। इसमें हमारी मांग ये है कि जो समितियों को मजदूरों का भुगतान किया जाता है वो सीधे किसानों को किया जाए, किसानों के खाते में किया जाए, क्योंकि पूरा कार्य किसान ही करा रहा है। जब मजदूर वहाँ रखे क्यों गए हैं जब काम पूरा किसान को ही करना है? मजदूर बिल्कुल नहीं रखे हैं, सब किसी भी सोसाइटी में मजदूर ना पाओगे, सब किसान का ही मजदूर को नाम रख के और पैसा से दर्शा लेते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे मजदूर को रखना चाहिए लेकिन रखा नहीं, नहीं गया रखा है। और गौर करने की बात ये भी है जो किसान वहाँ पे अपनी धान बेचने गया है तो पहले उसे सारी व्यवस्थाएं वहाँ जाके करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि आप यहाँ आइए और बेफिक्र हो जाइए, आपकी धान है या आपका जो भी अन्न है वो हम खरीदेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य में। लेकिन गौर करने की बात ये है जब आप उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया ही नहीं कराएंगे जहाँ वहाँ जा करके उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर धान ले जा रहा है किसान, उसे कहा जा रहा है कि क्वालिटी सही नहीं है और वो वहाँ से हताश होकर के वापस लौटाए तो वो सरकार से क्या चाहेगा? क्या वो वोट देगा? नहीं, वोट की राजनीति हमें बंद करनी होगी और किसानों के लिए हमें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। किसान, भारतीय किसान संघ भी कुछ अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के आगे आया है। तो ये थे हमारे साथ किसानगढ़ भारतीय किसान संघ के लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। आप लोगों ने देखा कि किसानों को कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, आप सोच नहीं सकते। जब आपकी थाली में खाना आता है तो आप तो तुरंत खा लेते हैं, आपको खाने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि वो किसान, वो अन्नदाता जो हमें अन्न देता है, जो हमें अन्न खिलाता है, उन्हें कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कब जा कर के हल होंगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम आशा करते हैं कि उनका ये जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो सके और जो अन्नदाता है उसे भी सुख की अनुभूति हो सके, वो भी इधर उधर ना दौड़े और जो उनकी लागत है तो लागत से कई गुना ज़्यादा उन्हें लाभ मिले, क्योंकि उन्हें भी लाभ कमाने का पूरा पूरा अधिकार है, उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ सपना तिवारी, धन्यवाद।